कैसे छीन ले गई संडे की सैर। काल बन गया केबल ब्रिज, मोरबी में बरपा मौत का कहर। कहीं जान बचाने की जद्दोजहद, तो कहीं तड़पती जिंदगियां। ये चीख पुकार, ये अफरा तफरी, लाशों की लगी ढेर, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गुजरात के मोरबी में मौत का ये पुल टूटने से सैकड़ों लोग मच्छू नदी में समा गए। हादसे के बाद हाहाकार और चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने नदी में समाई जिंदगियों को बचाने की भरपूर कोशिश की। प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी, लेकिन तब तक नदी की धारा में कई सांसें रुक गई थी। रविवार को दिवाली के बाद पहला छुट्टी का दिन था। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ सस्पेंशन ब्रिज पर सैर के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ब्रिज पर क्षमता से अधिक लोगों के जमा होने से यह हादसा हुआ। हादसे में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 9 लोगों की क्षमता वाले पुल पर तकरीबन 500 लोगों को जाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने रोकने की जहमत क्यों नहीं उठाई। वहीं एक वीडियो सामने आई है जिसमें पुल पर मौजूद लोग पुल को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मोरबी में मच्छू नदी पर बना ये पुल 5 दिन पहले रिनोवेशन के बाद खोला गया था। रविवार को लोग अपने परिवार के साथ मोरबी नदी के इस पुल पर सैर के लिए पहुंचे थे। किसी अनहोनी से बेखबर लोग अपने परिवार के साथ पुल पर मस्ती करने में मशगूल थे। तभी काल की टेढ़ी नजर पुल पर पड़ी और पलक झपकते ही सैकड़ों जिंदगियां डूब गईं। इसके बाद चारों तरफ मौत का मातम पसर गया, हर तरफ चीख पुकार मच गया। मोरबी में मौत के महाप्रलय के पीछे जिम्मेदार कौन? लाशों के ढेर के लिए लापरवाही किसकी? मच्छू नदी पर बना पुल 143 साल पुराना था, जिसे ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। पिछले 6 महीने से बंद पड़े इस पुल को हादसे के 5 दिन पहले खोला गया था, जिसकी करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत की गई थी। हादसे के बाद रात में ही SDRF, NDRF, आर्मी और वायुसेना की टीमें बचाव के लिए पहुंची। इसके अलावा वायुसेना के 50 गरुड़ कमांडो भी पहुंचे। सोमवार की सुबह NDRF ने पुल के नीचे शवों के फंसे होने की आशंका जताई। घटनास्थल पर रेस्क्यू बोट, तैराक, गोताखोर के अलावा दर्जन भर टीमें ऑपरेशन में जुटी हुई है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने मृतकाश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख जबकि घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मोरबी में मौत के कहर में किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी की कोख सुनी हो गई, किसी का तो पूरा पूरा संसार उजड़ गया। राजकोट के भाजपा सांसद मोहन भाई कुंडारिया के परिवार के 12 लोग हादसे में मारे गए। मोरबी में मौत के इस मंजर पर हर तरफ मातम पसरा है। सोमवार को PM मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोलते हुए भावुक हो गए। वही जो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, वो जिंदगी भर मोरबी में मौत का ये मंजर कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की।